फ्लैगशिप ओवाइस कैमरा, बैक और फ्रंट दोनों तरफ 4K सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 888 फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और 144 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये सारे स्पेक्स इस वीडियो के अंदर पिक किए गए टॉप 3 स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 25,000। इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च किया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग टॉप 3 बेस्ट कैमरा सेंटर फोन पिक किए हैं जिनके अंदर जबरदस्त स्पेक्स मिल जाते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा दी बेस्ट मिलता है। तो इस टाइम पर अगर आपको 20 से 25 हजार के सेगमेंट में एक वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए या फिर फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा बेटर डिसीजन लेने में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी सो बने रहिए। बट गाइस सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि ये एकदम फ्री है सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो आता है मेरी लिस्ट में मोटोरोला की तरफ से मोटो S30 5G। ये इस सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट लाइट वेट एंड स्लिम मतलब हल्का और पतला डिवाइस है। इस फोन के अंदर कुछ यूनिक स्पेक्स मिलते हैं लाइक हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी और IP रेटिंग। 6+128GB बेस पेरेंट से आता है। इस फोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमराज मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 MP का दिया गया है विद OIS, साथ में 50 का अल्ट्रा वाइड और 2 का डेप्थ लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इसके बैक और फ्रंट दोनों तरफ से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर, मतलब सेल्फी कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अगर आप ब्लॉगर हो या फिर शॉर्ट्स रील्स क्रिएट करते हो देन ये फोन आपके लिए परफेक्ट होगा। कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका बहुत ही बढ़िया है। अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो यहां पर 6.5 इंच का फुल HD+ PoLED डिस्प्ले मिलता है विद सेंटर पंचोल, 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले आपको गेमिंग और कंटेंट वॉचिंग के लिए दी बेस्ट मिलता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद मैट फिनिश। इसमें आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, साथ ही साथ ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ जो कि 5G कैपेबल है, 6 NM पर आता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से गेमिंग आप यहां से बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। डेली यूजेज में अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा बट हैवी एक्सपेक्ट मत करना। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि प्योर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। ये बेसिकली एक क्लीन UI है जिससे आपको कोई भी एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलते हैं। इसमें LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 4020mAh की बैटरी दी गई है जो कि कम है। इसका रीजन यही है कि ये काफी पतला डिवाइस है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। बाकी इसमें थिंकशील्ड की प्रोटेक्शन, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और IP52 की रेटिंग मिल जाती है। तो इसके 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट को फिलहाल ओनली 22,999 सिर्फ 23,000 रुपए में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 12 Pro 5G। इस फोन के हाईलाइटेड फीचर्स हैं डिस्प्ले और कैमरा। कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले टॉप क्लास मिलता है और ये 25,000 के सेगमेंट में फ्लैगशिप कैमरा ऑफर करता है विद OIS। 6+128GB बेस पेरेंट से आता है। इस फोन के बैक में अगेन ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 MP का दिया गया है विद OIS जो कि सोनी के फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 MP का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके बैक कैमरे से 4K 30 FPS और सेल्फी कैमरे से 1080p 30 FPS पर वीडियो शूट कर पाओगे। आप यहां से नियर टू फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। डेलाइट कंडीशन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है बट नाइट के अंदर स्ट्रगल करता है। ओवरऑल फ्लैगशिप कैमरा क्वालिटी मिलेगी। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.67 इंच का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, HDR10+ सपोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। और हाँ, इसमें 950 निट्स ब्राइटनेस भी मिलती है। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है, जबरदस्त कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। बैक साइड में ग्लास दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश जो कि कोइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। यह भी बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 1080 जो कि 5G सपोर्टेड है, ओनली 6 NM पर बेस्ड है। ये दोस्तों आपको टिकटॉक गेमिंग करा देगा बट ये चिपसेट आपको 15,000 के सेगमेंट में मिल जाता है। इसमें Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यहाँ पर LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर 3.5mm जैक, IP53 की रेटिंग, IR ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे। तो ये 6GB RAM+128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है 23,999, 24,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से।
रियलमी GT 2 5G। इस फोन के हाईलाइटेड फीचर्स हैं परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और कैमरा। एक्चुअली इसकी प्राइस 35,000 थी, बट कुछ रीजंस की वजह से रियलमी ने इसकी प्राइस को डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया है एंड अब आप इस फोन को अंडर 25,000 इजीली बाय कर सकते हो विदाउट बैंक ऑफर। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के बैक में अगेन ट्रिपल कैमरास मिलेंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, जो कि अगेन IMX766 फ्लैगशिप सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके बैक कैमरे से 4K 60fps और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। एक्सीलेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है। आप समझ सकते हो कि 35,000 का स्मार्टफोन है जो कि फिलहाल आपको 25,000 के नीचे मिल रहा है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका कैमरा फुली जस्टिफाइड है। स्पेशली ये वोक इफेक्ट जबरदस्त कैप्चर करता है। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.62 इंच का फुल HD+E4 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद इनसाइड पंच होल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें 1300Hz ब्राइटनेस और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और हाँ 1000Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है। डिस्प्ले भी आपको इंप्रेसिव मिलती है, प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट। तो कॉन्टेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग के लिए डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। ये बैक साइड से पूरा लेदर पेपर डिजाइन के साथ आता है जो आपको प्रीमियम फील कराएगा। बाकी प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा Qualcomm Snapdragon 888 जो कि फ्लैगशिप CPU है। ओनली 5 nm पर बिल्ट है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। ये दोस्तों काफी पावरफुल CPU है, आप यहाँ से फ्लैगशिप गेमिंग कर सकते हो, बट हाँ ये हीट करता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलेगा जो कि Realme UI के लेटेस्ट वर्जन पर आता है। इसमें LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर इन द बॉक्स भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है ओनली 23,999। 24,000 रुपये में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे थे टॉप कैमरा फोन अंडर 25K। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।